हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम का टेक में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए व्हाट्सएप के कुछ टॉप टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। अगर इन ट्रिक्स को आप अपने व्हाट्सएप में अप्लाई करते हैं तो आपका व्हाट्सएप और पहले से काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपको चलाने में काफ़ी अच्छा आएगा। इसमें से कुछ ट्रिक्स ऐसी होंगी जिन्हें आप आज तक नहीं जानते होंगे, जिन्हें आप पहली बार जानते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने से आपको व्हाट्सएप के कुछ सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स आज पता चलने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों को ये टिप पहले से पता होंगी, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर बात करें पहली ट्रिक की, कि अगर हम चाहते हैं कि हम सामने वाले को ऑनलाइन भी ना दिखाई दे और हम उसका मैसेज भी पढ़ लें, तो हमें सबसे पहले इसके लिए अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड में डालना है। उसके बाद व्हाट्सएप खोलना है और जब हमें जिसका मैसेज पढ़ना है उसके मैसेज को पढ़ लेना है। उसके बाद हमें व्हाट्सएप से बाहर निकल जाना है। बाहर निकलने के बाद हमें व्हाट्सएप को रनिंग ऐप से हटा देना है और हमारे फ़ोन को रनिंग एयरप्लेन मोड से हटा लेना है। इसके ऐसा करने से हम सामने वाले को ऑनलाइन भी नहीं दिखाई देंगे और हम उसका मैसेज बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर बात करें अगली ट्रिक की, तो वो ये है कि सामने से हमें कोई टेक्स्ट मैसेज करता है और हम उसका मैसेज पढ़ लेते हैं और बिज़ी होने के कारण उस टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो मैसेज इंपॉर्टेंट होता है और हम उसके बात को, उस मैसेज को, उसका रिप्लाई देना चाहते हैं। तो हमें नॉर्मली उस थोड़ी देर उसके सिलेक्ट करना है और ऊपर थ्री डॉट पे जाकर उस मैसेज को मार्क एज अनरीड कर देना है। ऐसा करने से उसके नाम के आगे से ग्रीन कलर का टिक बन के आ जाएगा, जिसे देखकर हम बाद में आसानी से समझ सकते हैं कि इस मैसेज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है और हमें इस मैसेज का रिप्लाई करना है। अगर आप चाहते हो सामने वाले को आप जो भी मैसेज सेंड कर रहे हो वो मैसेज कोई स्टाइलिश में जाए, किसी अलग फॉन्ट में जाए, तो हमें सबसे पहले जिसको रिप्लाई करना है उसका मैसेज खोलना है और अगर हम चाहते हैं कि हम जो भी टाइप कर रहे हैं वो सामने वाले के पास बोल्ड लेटर में जाए, तो हमें कुछ भी टाइप करने से पहले स्टार लगाना है, फिर अपना मैसेज टाइप करना है, उसके बाद फिर स्टार लगाना है, फिर मैसेज को सेंड कर देना है। ऐसा करने से हमारा मैसेज बोल्ड फॉन्ट में सेंड होगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो मैसेज है इटैलिक फॉर्म में जाए, तो हमें इसके लिए सबसे पहले अंडरस्कोर लगाना है, अपना मैसेज टाइप करना है, फिर अंडरस्कोर लगाना है, फिर मैसेज सेंड कर देना है। ऐसा करने से हमारा मैसेज जो है वो इटैलिक फॉर्म में सामने वाले के पास जाएगा। अगर हम कोई दूसरे डिज़ाइन चाहें तो हमें इसमें एक उल्टा एस जैसा आता है, उसके बाद अपना मैसेज टाइप करना है, दोबारा से एस लगाना है। ऐसा करने से कुछ कटे वाले डिज़ाइन में हमारा मैसेज सामने वाले के सेंड होता है। और अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी किसी अलग अलग डिज़ाइन में मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें नॉर्मली अपना मैसेज टाइप करना है, मैसेज को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद हमें ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं तीन डॉट में टच करने के बाद, जैसे इटैलिक, मोनोस्ट्रोक, स्ट्रेस थ्रू। इन ऑप्शन का यूज़ करके भी हम इन टेक्स्ट को अलग अलग डिज़ाइन में सामने वाले को सेंड कर सकते हैं। मोनोक्रॉस देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, आप अलग ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। ये भी एक व्हाट्सएप की बेस्ट ट्रिक है, अधिकतर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास व्हाट्सएप में कोई मैसेज आता है और वो मैसेज हमें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और हमें उस मैसेज को बाद में पढ़ना होता है, लेकिन हम जब बाद में उस मैसेज को ढूंढते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लगता है, मैसेज ढूंढने में काफ़ी परेशानी होती है। तो हमें नॉर्मली इसके लिए उस मैसेज को सिलेक्ट करना है और सबसे ऊपर बार में एक साइन आता है स्टार का, उस वाले स्टार वाले बटन को टच कर देना है। ऐसा करने से उस मैसेज के आगे एक स्टार बन के आ जाएगा और हम उस मैसेज को बाद में फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़ने पर बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कभी कभी हम चैट में किसी से बात कर रहे होते हैं या किसी ग्रुप में बात कर रहे होते हैं या किसी नॉर्मल एक चैट में बात कर रहे होते हैं, हमें उसमें एक पर्टिकुलर मैसेज का रिप्लाई करना होता है। ऐसा करने में हमें कभी समझ में नहीं आता है कैसे करें, तो हमें नॉर्मली इसके लिए उस मैसेज को टच करके राइट साइड की तरफ स्वाइप करना है। ऐसा करने से हम डायरेक्ट एक रिप्लाई का ऑप्शन आता है और हम प्रॉपर उसी मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और इसमें टाइम भी काफ़ी कम लगता है और एक नॉर्मल डायरेक्ट सिंपल एक ही मैसेज का रिप्लाई सामने वाले के पास जाता है। और ये जो ट्रिक है इसका यूज अधिकतर ग्रुप में बात करने के लिए किया जाता है, जहाँ पे काफ़ी लोग एक साथ चैट कर रहे होते हैं, तो हमने किस मैसेज का रिप्लाई किसको किया उस चीज़ को समझने के लिए काफ़ी अच्छी ट्रिक है। अगर हम कभी
किसी ग्रुप में चैट कर रहे होते हैं तो हमें वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर इंसान को किसी एक मैसेज में के रिप्लाई में टैग करना होता है। तो हमें इसके लिए जो भी ग्रुप खोलना है, ग्रुप में जहाँ पे टाइपिंग वाला है वहाँ पे टाइप करना है @@ टाइप करते हैं, हमारे पास एक काफ़ी नाम की काफ़ी लंबी लिस्ट आ जाएगी और हम जिस पर्टिकुलर इंसान को उस मैसेज में टैग करना चाहते हैं उस मैसेज में उस पर्टिकुलर इंसान का टच करके बड़े ही आसानी से टैग कर सकते हैं। इससे वो पर्टिकुलर मैसेज उसी इंसान में टैग हो जाएगा। जब हम व्हाट्सएप में किसी को कॉल करते हैं तो व्हाट्सएप काफ़ी ज़्यादा डेटा कंज्यूम करता है। अगर हम चाहते और हम चाहते हैं कि व्हाट्सएप कॉल के समय व्हाट्सएप हमारा काफ़ी कम डाटा यूज़ करे तो हमें इसके लिए नॉर्मल व्हाट्सएप की सेटिंग में जाके नेटवर्क के यूजेस में जाके यूज लेस डाटा फॉर कॉल्स वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना है। ऐसा करने से जो व्हाट्सएप है हमारा काफ़ी कम डाटा यूज करेगा और हमारा डाटा बचा रहेगा। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आज तक आपने व्हाट्सएप में सबसे ज़्यादा चैट किससे करी है या फिर किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा मैसेज आपके आते हैं तो आपको ये जानने के लिए नॉर्मल अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन में जाना है। स्टोरेज में मैनेज स्टोरेज में जाके नीचे स्क्रॉल करना है। सबसे ऊपर जो ग्रुप या किसी पर्सन का नाम आता है तो इसका मतलब आपने उससे सबसे ज़्यादा चैट करी है और बगल में उस ग्रुप ने आपके फ़ोन में कितनी स्टोरेज कंज्यूम की है ये भी आपको बड़ी आसानी से दिखाई देता है, जैसा कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा होगा। इसको इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपने सबसे ज़्यादा चैट किस ग्रुप या किस व्यक्ति से करी है। ये भी व्हाट्सएप की एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है। अगर आप व्हाट्सएप में नए नए हो और आपको व्हाट्सएप को इंग्लिश में चलाने में कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप उस व्हाट्सएप को अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सएप की सेटिंग में जाना है, उसके बाद आपको चैट्स में जाना है। नीचे ऑप्शन दिखाई देगा ऐप लैंग्वेज, यहाँ पे आपको उस ऐप लैंग्वेज में टच करके आपकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लेना है। ऐसा करने से आपका व्हाट्सएप उसी लैंग्वेज में हो जाएगा जिस लैंग्वेज में आप चाहते हो और आप आसानी से उस लैंग्वेज में अपने व्हाट्सएप को यूज कर सकते हो। ऐसा करने से आपको व्हाट्सएप चलाने में काफ़ी आसानी होगी। और अगर आप चाहते हो कि दोबारा से आप उसको इंग्लिश में करें तो आपको सेटिंग में जाकर चैट्स में जाकर दोबारा से इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। ऐसा करने से आपका व्हाट्सएप फिर से इंग्लिश लैंग्वेज में हो जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप में किसी एक पर्टिकुलर इंसान या किसी ग्रुप की चैट को फ्यूचर में देखने के लिए सेव करना चाहते हो और आप कुछ उस चैट में आपका कुछ इंपॉर्टेंट है आप चाहते हो उसको फ्यूचर में पढ़ लो तो आपको आप उस चैट को कहीं और भी सेव कर सकते हो। ऐसा करने के लिए आपको नॉर्मली अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में जाना है, उसके बाद चैट्स में जाना है। सबसे नीचे ऑप्शन दिखाई देगा चैट हिस्ट्री, चैट हिस्ट्री में टच करना है। फिर आपको सबसे ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा एक्सपोर्ट टच, आपको एक्सपोर्ट टच पे सेलेक्ट करना है और आप जिस भी पर्टिकुलर ग्रुप या इंसान की चैट को सेव करना चाहते हो उसमें टच करना है। और आपको नीचे दो ऑप्शन दिखाई देंगे इंक्लूड मीडिया और विदाउट मीडिया। अगर आपको उस चैट के अंदर का मीडिया या डाटा भी चाहिए तो आपको इंक्लूड मीडिया करना है। अगर आपको सिर्फ जो आपने मैसेज किए हैं वो मैसेज चाहिए तो आपको विदाउट मीडिया करना है। यहाँ पे मैं विदाउट मीडिया कर लेता हूँ। इसके बाद थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इसने काफ़ी सारी चैट का बैकअप बनाना होता है, ये मुश्किल से 15 या 20 सेकंड का टाइम लेगा। उसके बाद हमें काफ़ी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। देखिए ऐसे ब्लूटूथ का ऑप्शन है, जीमेल का है, गूगल ड्राइव का है, टेलीग्राम का है और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे इसमें हमें देखने के लिए। हम इनके द्वारा किसी भी एक मेथड से इस चैट का बैकअप ले सकते हैं, चैट को सेव कर सकते हैं और फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर उस मैसेज को दोबारा पढ़ सकते हैं। ये भी व्हाट्सएप की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारी लास्ट ट्रिक की तरफ। अगर हम व्हाट्सएप में कौन कौन सी फाइलें और किस तरीके से सामने वाले को भेज सकते हैं ये जानना चाहते हैं तो हमें इसके लिए नॉर्मली उस पर्टिकुलर इंसान की चैट खोलनी है। सबसे नीचे जहाँ पे हम टाइप करते हैं वहाँ पे एक पिन जैसी दिखाई देती है, हमें पिन पे टच करना है तो हमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट का। ये ऑप्शन नॉर्मली किसी बड़ी लार्ज फाइल या फाइल को ओरिजिनल फॉर्मेट में सेंड करने के लिए किया जाता है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ से हम फाइल को अच्छे फुल साइज में सामने वाले को भेज सकते हैं। उसके बगल में ऑप्शन दिखाई दे रहा है कैमरे से अगर हम डायरेक्ट किसी चीज़ की फ़ोटो खींच के भेजना चाहते हैं तो हमें उस हमें यहाँ पे कैमरे वाले ऑप्शन का यूज करना है। थर्ड ऑप्शन है गैलरी, अगर हम गैलरी की किसी फाइल को सामने वाले को सेंड करना चाहते हैं तो हमें गैलरी में टच करना है। चौथा ऑप्शन है ऑडियो, अगर हम सामने वाले को कोई ऑडियो फाइल भेजना चाहते हैं तो हमें नॉर्मली ऑडियो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।
पांचवा ऑप्शन है पेमेंट, क्योंकि जैसा कि व्हाट्सएप में पेमेंट वाला सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया है यूपीआई के थ्रू, तो यहाँ पे हम इस वाले पेमेंट वाले ऑप्शन का यूज करके सामने वाले को पेमेंट कर सकते हैं। सिक्स्थ ऑप्शन है लोकेशन, इस ऑप्शन का यूज हम अपनी करंट लोकेशन सामने वाले को भेजने के लिए करते हैं। ऐसा करने से हम जो हमारी करंट लोकेशन है वो सामने वाले को भेज सकते हैं और सामने वाला आदमी आसानी से हमारी लोकेशन को जान सकता है। जो सबसे और सबसे लास्ट में ऑप्शन है कॉन्टैक्ट, इस ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हम हमारे फ़ोन में सेव कॉन्टैक्ट को किसी सामने वाले इंसान को उस कॉन्टैक्ट को भेजना चाहते हैं, उस समय हम कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। हम इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी व्हाट्सएप की कुछ ट्रिक्स, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि काफ़ी सारी ट्रिक्स थी और आपको डिटेल्स में बताना था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका कोई सजेशन हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए ही कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।